नाउ गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट फॉर नाइन्थ क्लास। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बताया था। ये भारत की छठी मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन है, छह में से तीसरी फिजियोग्राफिक डिवीजन है, जिसका नाम है द पेनिनसुला प्लेटू। पेनिनसुला प्लेटू एक टेबल लैंड है जो छोटे छोटे आइगनेसियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है, चट्टानों से बना हुआ है। ये सबसे पुराने गोंडवाना लैंड, आप लोग जानते हैं पुराना लैंड मास है, उसी लैंड के टूटने फूटने से ये बना हुआ है। ये कहीं पे प्लेटो बहुत चौड़ा है, कहीं नुकीली भी है, कहीं बहुत बड़ी पतली भी है। इस प्लेटो को जो है ना दो नाम दिए जाते हैं, इसमें दो तरीके के डिवीजन होती है, एक्सटेंशनल हाईलैंड और डक्कन प्लेटो। पेनिनसुला प्लेटो जो है ना नर्मदा नदी से लेके मालवा प्लेटी तक जो फैला हुआ है उसको सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। विंध्य रेंज से और विंध्य रेंज से ये सेंट्रल हाईलैंड जो है ना घिरा हुआ है, साथ साथ इसके अगल बगल में अरावली पहाड़ भी है। और ये आगे बढ़ती हुई सैंडी रॉक यानी डेजर्ट से मिल जाती है, वो कब मर्ज कर जाती है, जहां से जो कुछ नदियां चंबल सिंध बेतवा केन ये सब इसके साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में ये स्लोपिंग बनाती है। और सेंट्रल हाईलैंड की बात करते हैं, सेंट्रल हाईलैंड आप देख रहे हैं कि बीच में चौड़ा, सेंट्रल का मध्य बीच में चौड़ा और नुकीले साइड में पतला होता है। ये प्लेटो जो है जैसे जैसे आगे बढ़ती है वो नुकीले होती जाती है। ईस्ट में हम लोग बड़े ईस्टर्न पार्ट में उसको बुंदेलखंड बोलते हैं और छोटा नागपुर प्लेटो यानी कि झारखंड, और उसके आगे बढ़ते हैं तो पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी की पहली घाटी आती है। डक्कन प्लेटो ये टोटली साउथ में है, ये सिंगुलर पार्ट होता है, त्रिभुजाकार भाग होता है, ये नर्मदा नदी के साउथ में पड़ता है। सतपुरा रेंज भी यहाँ पे दिखाई देता है, नॉर्थ में महादेव पर्वत मिल जाएगा, कैमूर की पहाड़ियां मिल जाती है, मैकाल की पहाड़ियां मिल जाती है। ये सब फिजिकल मैप में हमारे इंडिया को आप लोग मैप में भी वॉच करते हैं, जब फिजिकल मैप ऑफ इंडिया पाएंगे पहाड़ के बारे में तो सब मिल जाएगा। डक्कन प्लेटो जो है ना वेस्ट में थोड़ा ऊंचा है और वेस्ट में ईस्ट में डाउन है, ये धीरे धीरे पूर्वोत्तर की तरफ जाते हुए डाउन होते जा रहा है। जितना ही पूर्वोत्तर जा रहा है तो पूर्वोत्तर में मेघालय मिलता है, मेघालय में कार्बी एंड अलंग प्लेटू मिल जाती है, सरकार झील मिल जाती है और छोटा नागपुर प्लेटू में आते आते ही अलग हो जाती है। और जितने सबसे भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग में पहुंचेंगे तो वहां पे इसी लाइन में इसी एरिया में आपको गारो खासी और जयंतिया झील मिलती है। अब इसमें इसी रेंज को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट, यानी कि ये डक्कन प्लेटू के दो पार्ट हो गए। वेस्टर्न घाट वेस्टर्न कोट यानी कि पश्चिमी किनारा समुद्री किनारा का पैरेलल है। वेस्टर्न घाट जो है कंटिन्यूअस जो है ना थाल भोर पाल घाट फिजिकल मैप पे हम देखेंगे तो इसको क्रॉस करते हुए निकला हुआ है। वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट से थोड़ा ऊंचा है क्योंकि हाई रहेगा, एवरेज इसका जो है ना ऊंचाई 900 से लेकर 1600 मीटर तक है, कहीं कहीं ये ईस्टर्न घाट में 600 मीटर भी हो जाती है। ईस्टर्न घाट में ईस्टर्न घाट महादेवी भैरी से लेके नीलगिरी साउथ तक ये फैला हुआ है। ईस्टर्न घाट पैरेलल नहीं है, बीच बीच में गैप है, डिसकंटिन्यूअस है, इरेगुलर है, इसका शेप भी जो है ना यूरल टाइप का होता है, कुछ ही शेप का नहीं है, टूटा फूटा चेसे टाइप का है। खासकर ये जो है ना कटा हुआ इसलिए है कि इसके बीच बीच में बंगाल से निकलने वाली बंगाल में बहने वाली नदी इसको क्रॉस करती है, इसे बीच बीच को गैप मिल जाता है। वेस्टर्न घाट को हम लोग जो है ना अलग अलग नामों से लोकेट करते हैं, यहाँ पे जो है ना कुछ हाईएस्ट पीक भी मिल जाते हैं, तो हाईएस्ट पीक जैसे अन्ना मोदी हो गया 2695 मीटर है, डोडा बेटा हो गया 2637 मीटर है, महेंद्रगिरी हो गया 1501 मीटर है। इसी के थोड़ा आगे बढ़ते हैं सरबरी हिल मिल जाती है, जावेदी हिल भी मिल जाती है। और ईस्टर्न घाट में देखते हैं तो कुछ आपको बड़े ही फेमस हिल स्टेशन वाले सिटी जैसे कोडाईकनाल ऊटी ये सब जो है ना स्वास्थ्य वर्धक स्थान भी मिल जाते हैं। इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये प्लेटो खासकर काले मिट्टी से बनी हुई है, ब्लैक सॉयल से बनी हुई है और इसलिए ये चट्ट इन जगहों पे ज्यादा कपास की खेती होती है, कॉटन की खेती होती है, क्योंकि ये मिट्टी जो है आग्नेशियस रॉक से बनी हुई है।
और अरावली हिल के उत्तर में ये थोड़ा सा मार्जिंग बन जाता है, जो पेनिनसुला प्लेटू का भाग बन जाता है। यहाँ पे भी छोटी मोटी पहाड़ियां भी है, खासकर यहाँ पे ब्रोकन टूटी फूटी पहाड़ियां मिल जाती है, जैसे गुजरात में दिल्ली में ये सब जो है ना छोटी मोटी पहाड़ों पे है। जैसे दिल्ली रायसीना हिल पे बसा हुआ है, दिल्ली जो बात करते हैं ना हम लोग, रायसीना हिल पे बसा हुआ है, ये भी जो अरावली पहाड़ का ही एक भाग माना जाता है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। अब बस सेकेंड चैप्टर का आप लोगों का चौथा फिजियोग्राफिकल डिवीजन होगा इंडिया का, इंडियन डेजर्ट, और मैं कल इसको समाप्त करूंगा और खुद आप लोग अपने से स्टडी करेंगे और वर्क करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।